और ऐसे टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है। ऐसी सारी चीजें अब तक टीवी में या मोबाइल में इंटरनेट पे ही देखी होगी, तो आज हम लोग लाइव देखने जा रहे हैं। पागल हो गए पब्लिक, आप देखो क्या तैयार हो। भारतीय वायुसेना जानी जाती है अपने अनुशासन, एकाग्रता और कार्य कुशलता के लिए। प्रेक्षकों विमानों आप बधाई हो, खूब खूब आभार। और इसकी ऑडियंस कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मतलब व्लॉगर की आज इतनी इज्जत होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ तक अपनी नजर से देख सकता था उधर तक मुझे पब्लिक दिख रही थी। मिस हो गया है ये व्लॉग देख लेना, तो ये व्लॉग उनको शेयर कर देना। तो लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपी ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं ये आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखी है तो जाओ फटाफट फॉलो करो, ये रही मेरी आईडी। वहाँ पे मैं आगे कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ उसके सारे व्लॉग्स की मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोरी के थ्रू डालता रहता हूँ। तो जाओ फटाफट फॉलो कर लो। और ऐसे टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा। आपने ऐसी सारी चीज़ें अब तक टीवी में या मोबाइल में इंटरनेट पे ही देखी होगी, जो आज हम लोग लाइव देखने जा रहे हैं। और बस भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी मेरे साथ है अजय, उजैर और अंश जो अभी सो रहा है, तो सीधा जाते हैं वेन्यू पे, वहीं पर सारी बातें करते हैं। पागल हो गए पब्लिक, आप देखो, मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी गाड़ियां और बाइक्स और लोग होएंगे। भाई पागल हो गए सच में, किसी ने फाइटर प्लेन ही नहीं देखा खुद हमने नहीं देखा, तो लोगों ने ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। तो बस देखो आप भाई पब्लिक देखो, सच में पार्किंग में आधा घंटा लग जाएगा। मुझे लगता है 3 बजे की जगह इन लोग को 4:30 बज जाएंगे चालू करते करते। तो आप पब्लिक देखो, नहीं एक्चुअल में ऐसे है जो मोंटू भाई डीजल लेने गए थे। भाई आधे घंटे से ऊपर सिर्फ गाड़ी पार्क करने में लग गए, आप देखो यहाँ पे भाई बहुत बहुत मतलब पब्लिक आई हुई है। और ये जो हाईवे है ना भाई, देखो यहाँ पे लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम टू यू टोल प्लाजा, मतलब ये टोल प्लाजा है। और जो अभी नया हाईवे बन रहा है ना, वहीं पे ये शो रखा है भरूच के बाईपास पे। तो भाई मतलब बता ही नहीं सकता मैं। अभी आप सीधा चलते हैं वेन्यू पे, पता नहीं कहाँ पे है क्या है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे लोग जा रहे हैं, वैसे ही फ्लो में हम लोग भी जा रहे हैं, तो मज़ा तो आने वाला है आज बस। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है अक्षिता ने, जिसे मैं गोली कहता हूँ। इसने भी कभी फाइटर प्लेन देखा नहीं है, देखा है कभी एकदम लाइव में? टीवी में ही देखा है भाई। तो लाइव देखने आए हैं, सो वेरी एक्साइटेड। इसकी वजह से ही हम लोग 1 घंटा लेट हो गए, क्योंकि ये पार्लर गई थी, बोल रही थी कि वो फाइटर प्लेन वाले अगर मुझे देखेंगे तो मैं शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं, तो इसको लगा ही देंगे वो लोग। बस तभी एंजॉय करते हैं एयर शो। नहीं अच्छी कमेंट करना भाई इसके लिए, और देखते हैं कि कैसे कैसे कमेंट आप लोग अक्षता के लिए करते हो। तो बस अभी घूमते इधर उधर, देखते हैं एयर शो कब चालू होता है। और 3:30 बज गए हैं, तो बस चलो। भारत माता की जय। रहे पूरे एरोबैटिक शो के दौरान आपको जिस दिशा में देखने के लिए कहा जाएगा, अगर आप वहीं देखें तो आप विमानों का एक बहुत ही करीबी नजारा एंजॉय कर पाएंगे। सूर्य किरण इज अ वन ऑफ अ काइंड एरोबैटिक डेमोंस्ट्रेशन टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, व्हिच वाज फॉर्मड इन द ईयर 1996
and is formally designated as 52 Squadron or the Sharks. और इस टीम का मोटो है सदैव सर्वोत्तम यानी कि टू बी ऑलवेज द बेस्ट. आसमान में करने के लिए कड़ी मेहनत और एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करने की आवश्यकता होती है और इसी कर्तव्य को निभाते हुए इन विमानों में उड़ान भर रहे हैं भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलट जिनके पास 1000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा है और ये सभी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स भी हैं. तो चलिए अपने अपने कैमरा लेके तैयार रहिए क्योंकि जल्द ही ये टीम सूरत एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली है और आपके सामने आने वाली है बहुत ही अनोखे एरोबैटिक्स का प्रदर्शन करने. तो चलिए आपसे निवेदन है अपनी नजर रखे सीधा सामने यानी की 12 o'clock क्योंकि टीम की बहुत ही हैरतअंगेज एंट्री होने वाली है इसी दिशा में. क्या आप तैयार हो? एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारे बीच में जो भारतीय एयरफोर्स के रेड एम्बेसीटर टीम सूर्य की जब मौजूद है उसका एक बार शुक्रिया अदा करें. एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम सूर्य की जब के लिए. भारतीय वायुसेना जानी जाती है अपने अनुशासन एकाग्रता और कार्य कुशलता के लिए और आज सूर्य किरण एरोबैटिक टीम इसी हुनर और जोश को दर्शाते हुए आपके समक्ष हैरत अंगेज हवाई करतब पेश करेगी. तो आर यू रेडी? सो जॉइन मी एज वेलकम द एंबेसडर्स ऑफ इंडियन लगता है. तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो इस बात पे और कमेंट अच्छी अच्छी मार दिया करो. क्या देखा तूने? विमान. कैसे कर रहा था विमान?
हाँ मजा आया ना। तो हाँ तो यहाँ पे जो एंकर थे हर्ष भाई कैसा लगा आज? बहुत ही मजा आया, बहुत ही मूवमेंट को एंजॉय किया है। एंकरिंग को मैं भूल गया था और बस मूवमेंट एंजॉय कर रहा था, मजा आ गया। और सबसे बेस्ट कौन था उनका जो एक्ट था वो लगा आपको? जो पूरा डायमंड बनाया था पहले तो जो भरूच सिटी को डेडिकेट किया और सूरत सिटी को डेडिकेट किया वो एकदम शानदार लगा। और बहुत एक से एक करतब जो भी हवाई शो किया था वो एक से एक बेहतरीन था। ऐसे बोल ही नहीं सकते कि ये बेहतर था या वो बेहतर था। जो प्लेन के इर्द गिर्द दूसरे जो दो प्लेन घुमा के पूरा जो डिजाइन क्रिएट किया था उन लोगों ने वो एकदम बेस्ट था। ओके तो आपको कौन सा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। और भाई थैंक यू, आपने एक्सेप्ट किया था कि इतनी पब्लिक भरूच से आएगी? मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी सारी, भाई मैंने जब पार्किंग में ही मुझे आधा घंटा से ऊपर लग गया तो मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी पब्लिक आएगी, पर यहाँ आके देखा ना तो मतलब मैं हक्का बक्का ही हो गया। तो आपने कुछ ऐसा सोचा था भरूच की पब्लिक के लिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि भरूच की 95% पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी। मैं जहाँ तक अपनी नज़र से देख सकता था उधर तक मुझे पब्लिक दिख रही थी। यस 5% लोग ही होंगे जो नहीं आए होंगे, कुछ काम में बिजी हो गए या किधर भी बिजी हो गए, बाकी 100% मैं बोल सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी। मैं खुद 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर देखने आया था भाई, तो भरूच की पब्लिक ने तो बिल्कुल मिस नहीं किया होगा ये मौका। तो भाई बहुत अच्छा लगा और बस थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एंकरिंग किया। थैंक यू सो मच। और भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। अक्षिता जी क्या अच्छा लगा आज? ऑल ओवर पूरा शो बहुत जबरदस्त था, हार्ट वाला और ज्यादा पब्लिक थी। वो हार्ट वाला तो तुझे बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हार्ट वाला तो बहुत जो खुद आदमी करता है ना वही सबको पसंद आता है। नहीं सच्ची बताओ कैसा लगा? बहुत जोरदार, बहुत। और कौन सा एक्ट जो था वो? एक तो हार्ट वाला ज्यादा अच्छा था और फर्स्ट जो सब साथ में आते हैं वो ज्यादा। वो हार्ट वाला कितना परफेक्ट है, देखा बीच में वो लाइन गायब हो जाती है फिर अचानक से चालू हो जाए, पीट भी लगाया था। हाँ वही वही, इतना परफेक्शन था भाई उन लोगों का। बस तीसरे आपको क्या अच्छा लगा? मुझे भी वही लगा क्योंकि मैंने भी वही सब किया है अब तक। ओके तो अभी चलते हैं, बहुत मजा आया, बर्थडे आने का। यस यस। और गवर्नमेंट अपने लिए इतना सारा भाई ये फ्री में कर रही है, तो जो जिन लोगों ने भूल गया है या मिस हो गया है तो ये व्लॉग देख लेना, हो तो ये व्लॉग उनको शेयर कर देना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डू वॉच। यस भाई ऐसा था कुछ सूर्य किरण द्वारा ये एयर शो, बहुत ही मजा आया भाई, बहुत ही मजा आया। पहली बार इतनी करीब से मैंने ये फाइटर प्लेन देखा, सोचा नहीं था कि इतने सारे करतब वो हवा में करेंगे। हार्ट शेप बनाया और बीच में से कंप्लीट वहाँ से उन्होंने वो दिल को तीर मारा है भाई, बहुत ही मजा आया। अच्छे अच्छे कमेंट कर देना अपने सूर्य किरण के लिए और एक लाइक कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। तो मिलते अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एरोबिक शो खत्म करने के बाद हम लोग ट्रैफिक में ऐसे फंसे ना भाई कि अभी बजे है 6:30, मतलब 2 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में थे। तो अभी हम लोग आए भरूच, हम लोग आए खोरियल काठियावाड़ी ढाबा में। आप देखो ये अभी तो ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ स्टार्टर है, खाने का अभी कुछ 1% भी नहीं आया है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा खाने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखो। और इतने लोग हम लोग आज आए हैं खाना खाने, तो बहुत ही खतरनाक भूख लग गई थी ट्रैफिक में, तो मैं पूरा पागल ही हो गया था कि कब निकले ट्रैफिक से। तो बस अभी डिनर एंजॉय करते हैं।